नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के भूमा नहर पुल के पास एक सीमेंट व्यापारी से मारपीट कर तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर हजारों रुपए की और बाइक लूट ली। सूचना पाकर क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद और थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। दरअसल जानसर थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी सीमेंट व्यापारी नसीम पुत्र शकुल अपने ससुराल मवाना से गंग नहर की पटरी से वापस लौट रहा था, जब वह मीरापुर थाना क्षेत्र के भूमा नहर पुल के पास पहुंचा तो उसे तीन बाइक सवार लोगों ने रोक लिया और तमंचा दिखाकर उसे भयभीत किया। उसी दौरान एक युवक ने तमंचे की बट से उसके सर पर वार कर दिया, जिस पर वह घायल हो गया और नसीम से बदमाशों ने 40,000 रुपए की नकदी और बाइक लूट ली और मौके से फरार हो गई। लूट की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद और थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और घायल नसीम से पूछताछ की, जहां घायल अवस्था में उसे जानसर CST भर्ती कराया गया। थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव ने बताया घटना की अभी तक कोई तहरीर नहीं कही है, पुलिस घटना करने वाले लोगों की तलाश कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे बटावली क्रॉसिंग बढ़े में उससे आगे बटावली क्रॉसिंग में पानी दिया, उससे फिर मैं चला नहर की बल्टी 2-3 किलोमीटर निकला, पीछे से 3 लोग आए, उन्होंने आप तो मेरे लात मारी और उन्होंने जो है कहा कि गोली मारो इसके बाइक पर। किस चीज़ पर थे वे 3 लोग? वो तीनों बाइक पे थे, मैं भी आराम आराम से चल रहा, उन्होंने एकदम जो है उस पर कब्जा कर लिया, मारपीट कर लिया, पैसे निकाल लिए जेब से, मोबाइल निकाल लिया और वो चाबी चलना बल्ला वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लेके चले। मोटरसाइकिल नहीं लेके ले गए? मोटरसाइकिल भाग गए। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल? जी हाँ, मेरी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का क्या नंबर था? नंबर मेरे ध्यान नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, नंबर लिखवा दिया है, लिखवा दिया नंबर। तो उसकी सूचना आपने पुलिस को दी? मैं सबसे पहले जो है फोन अपने घर के आई लागू को गया, उसके बाद जो है उन्होंने सूचना दी। नंबर पे नंबर निकालना था, मोबाइल से मोबाइल था मेरे पे, मोबाइल नहीं लूटा, एक ले गया वो, एक और था उसमें सिम नहीं था। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।